श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म क्या है और ये हमें क्या सिखाता है। भारत में बहुत से धर्म हैं। सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, जिसे आज लोग हिंदू धर्म कहते हैं। इतिहास में देखें तो भारत बहुत से धर्मों की जननी रही है, चाहे बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर जैन धर्म क्यों ना हो। माना जाता है कि जैन धर्म का निरूपण सनातन संस्कृति के माध्यम से ही हुआ है। यह धर्म अहिंसा पर बहुत महत्व देता है। आज हम आपको इसी धर्म के बारे में बताएंगे। हम आपको ये जानकारी अपने जो हमने अपनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से देने जा रहे हैं। जैन शब्द का अर्थ जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है वह पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं मतलब भोग प्रवृत्तियां मानवीय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया हो और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया हो। तीर्थकर इन्हीं गुणों से पूर्ण थे, अतः इनके द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। जैन धर्म का प्रारंभ एवं इतिहास, जैन धर्म के अनुयायी की मान्यता है कि उनका धर्म अनादि और सनातन है, मतलब अनंत समय पहले का अनादि है। सामान्यतः लोगों में यह मान्यता है कि जैन पंथ का मूल उन प्राचीन परंपराओं में रहा होगा जो आर्यों के आगमन से पूर्व इस देश में प्रचलित थी, किंतु यदि आर्यों के आगमन के बाद से भी देखें तो ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी को लेकर जैन धर्म की परंपरा वेदों तक पहुंचती है। महाभारत के युद्ध के समय इस संप्रदाय के प्रमुख नेमीनाथ थे, जो जैन धर्म में एक तीर्थकर हैं। इसी पूर्व 8वीं सदी में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी के पास ही 11वें तीर्थकर श्रेयांशनाथ का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित है। जैन धर्म में श्रमण संप्रदाय का पहला संगठन पार्श्वनाथ ने किया था। यह श्रमण वैदिक परंपरा के विरुद्ध थे। महावीर तथा बुद्ध के काल में यह श्रमण कुछ बौद्ध तथा कुछ जैन हो गए। इन दोनों ने अलग अलग अपनी शाखाएं बना ली। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान हुए, जिनका जो जन्म हुआ वो हुआ 599 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ने से पूर्व जैन धर्म की नींव काफी मजबूत कर दी थी। अहिंसा को उन्होंने जैन धर्म में अच्छी तरह से स्थापित कर दिया था। सांसारिकता पर विजय होने के कारण वे जिन कहलाए। उन्हीं के समय से इस संप्रदाय का नाम जैन हो गया। अशोक के अभिलेखों से यह पता चलता है कि उसके समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार था। लगभग इसी समय मठों में बसने वाले जैन मुनियों में मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थकरों की जो मूर्तियां हैं वो कपड़े पहना कर रखे जाएं या नग्न अवस्था में। इस बात पर भी मतभेद था कि जैन मुनियों को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं। आगे चलकर यह मतभेद और भी बढ़ गया। ईसा की पहली सदी में आकर जैन मतावलंबी मतलब जैन धर्म को मानने वाले दो दलों में बट गए। एक दल श्वेतांबर कहलाया, जिसके साधु सफेद वस्त्र पहनते थे, और दूसरा दल दिगंबर कहलाया, जिनके साधु नग्न मतलब बिना कपड़े के भी रहते थे। जैन धर्म का प्रचार प्रसार ईसा की पहली शताब्दी में कलिंग के राजा खारावेल ने जैन धर्म स्वीकार किया। ईसा के आरंभिक सदियों में उत्तर में मथुरा और दक्षिण में मैसूर जैन धर्म के बहुत बड़े केंद्र थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण के गंग, कदम्बु, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग किए और सहायता भी प्रदान की। इन राजाओं के यहां अनेक जैन कवियों को आश्रय और सहायता प्राप्त होती थी। 11वीं सदी के आसपास चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने जैन धर्म को राजधर्म बना दिया तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। हिंदी के प्रचलन से पूर्व अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता था। अपभ्रंश भाषा के कवि, लेखक एवं विद्वान हेमचंद्र इसी समय के थे। हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार में थे।
सामान्यतः जैन मतावलंबी शांति प्रिय स्वभाव के होते थे। इसी कारण मुगल शासन काल में इन पर अधिक अत्याचार नहीं होते थे। उस समय के साहित्य और अन्य विवरणों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार अकबर ने जैन अनुयायियों की थोड़ी बहुत मदद भी की थी, मगर धीरे धीरे जैनियों के मठ टूटने और बिखरने लग गए। जैन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है। भारत के अतिरिक्त पूर्वी अफ्रीका में जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो धन्यवाद, मैंने शॉर्ट में आपको जैन धर्म को बताया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।